हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, और आज हम उसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं 7.1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि टोटली वो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखो तो बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया और लैटरल सर्फेस एरिया, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टोटली फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपको फार्मूलेज अच्छे से याद होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट जाएंगे नहीं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया है हमारे पास, बेस दिया है और हाइट दी है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम कोन का। तो कोन का वॉल्यूम क्या कैसे निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर जो फिगर है वो फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर हमारे पास दी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर। तो देखो, ये हमारा कोन है, कोन का हमें रेडियस दिया है, रेडियस क्या है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी है, हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट और जो हाइट और इसका रेडियस पता चल गया। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या था हमारे पास, हाइट दी थी जो कि क्या थी 5 सेंटीमीटर की हाइट थी, और रेडियस क्या था 1.5 सेंटीमीटर। देखो, हमारे पास हाइट है और रेडियस है। अब देखो, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 140 के ऊपर कुछ फार्मूलाज दिया है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एक्सरसाइज है आगे हम देखने वाले हैं वो सब इसी फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। देखो, हमें हमारे क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में पूछा है, कोन के वॉल्यूम के बारे में पूछा है। तो वो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है कोन का, 1/3 πr²h। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। क्या कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कोन है, कोन का हम वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 πr²h। ये क्या है, हमारा कोन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो 22/7 हमारी पाई की वैल्यू है, 1/3 × 22/7 मैंने लिख दिया। अब देखो, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा आर की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, ये 1.5 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरे पास ए स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ए इंटू ए, ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 1/3 × 22/7 × 1.5 × 1.5 × 5। अब देखो, ये जो 3 है ये 1.5 से कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 0.5 हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, तो 0.5 × 5 क्या होता है, देखो हमारे पास अभी क्या क्या बचा, 22/7 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0.5 × 1.5 × 5। तो 0.5 × 5 क्या होता है, वो होता है 2.5 × 1.5। तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 × 1.5 क्या होगा, ये हो जाएगा 2.5 × 5, मतलब 5 × 5 हो जाएगा 25 × 7.3। तो ये हो जाएगा 3.75, 22/7 × 3.75। अब देखो, इसको आगे सॉल्व करते करके क्या मिलेगा हमें, 22 × 3.75, तो क्या होगा कैलकुलेट करके देखो, 82.50/7। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 82.50 को, तो हमें वैल्यू मिलेगी 11.78 cm³। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ ये वाला कोन का, ये कोन का वॉल्यूम हमें क्या मिला, 11.78 cm³। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ डायमीटर 6। तो हमें यहाँ पे डायमीटर दिया है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो देखो, पेज नंबर 140 पे फिर से हम देखेंगे ये कि देखो, स्पीयर का वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4/3 πr³। तो ये जब फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यूज जो डायमीटर है, पहले हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, ये जो हमारे पास 6 जो डायमीटर दिया है उससे हम पहले रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस की जगह पे वहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है और 4/3 तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम ये वाला जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें सिर्फ डायमीटर दिया है। देखो, सबसे फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है,
डायामीटर, डायामीटर कितना दिया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो अगर 6 सेंटीमीटर ये हमारा स्फीयर है, सपोज ये हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर का डायामीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या है देखो, हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4π3πr³। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें डायमीटर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस यानी 2r, रेडियस यानी 2r होता है। तो हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, ऑलवेज डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। तो डायमीटर 2r है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास डायमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर है, इज इक्वल्स टू 2r। तो देखो ये 2 इधर इसके डिवीजन में जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 6/2। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, 3। तो क्या मिला हमें रेडियस, r की वैल्यू क्या मिली हमें, 3 मिली। तो इस ये जो r की वैल्यू है, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, r हमें क्या मिल गया, 3 सेंटीमीटर। ये जो आर था हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। ये पूरा जो था ये 6 सेंटीमीटर का पूरा डायमीटर था, यानी कि 2r था, हमें r की वैल्यू मिल गई। अब हम पुट करेंगे उसको फॉर्मूला के अंदर, तो क्या मिलेगा हमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 4/3। पाई की वैल्यू मैंने बताया था 3.14 भी आप पाई की वैल्यू ले सकते हो। पाई की हमेशा याद रखना दो वैल्यू होती है, पाई यानी 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। कैसे होता है 3.14, 22/7 अगर आप करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी डेसिबल में, 3.14। तो ये दोनों हम पाई के वैल्यूज़ है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 3.14। और हमारा रेडियस क्या है, रेडियस हमारा है 3 सेंटीमीटर, यानी 3³। तो मैंने जिस तरीके से बताया था, अगर मेरे पास एक क्यूब है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a into a into a, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर बी क्यूब मेरे पास है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, b into b into b। तो सेम यहाँ पे 3 मेरे पास क्यूब में है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 into 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 3 into 3। तो ये जो एक 3 है इस 3 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 4 into 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9, ये हो जाएगा 9। 4 multiplied by 9 क्या होता है, 4 9 होता है 36 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 क्या होगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, 113.04 cm³। तो क्या मिला हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 113.04 cm³। तो ये जो हमारा स्फीयर था इसका वॉल्यूम क्या मिला हमें, ये जो इसके अंदर कितना कितना चीज़ें बैठ सकती है, यानी उसका वॉल्यूम कि उसके अंदर कितना क्या क्या बैठ सकता है, कितना उसका उसकी कैपेसिटी है, वो हम फाइंड आउट करने वाले थे, जो कि था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें फाइंड आउट करना था। क्या मिला हमें, 113.04 cm³। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 cm एंड हाइट इज 40 cm। तो ये जो क्वेश्चन है ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का था। ऊपर के जो दो क्वेश्चन थे वो वॉल्यूम के थे, हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाला था। अब हम यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो देखो हमारा जो फिगर है, किसका टोटल सरफेस एरिया हमें पूछ रहे हैं, सिलेंडर का पूछ रहे हैं। तो आपके बुक में यहाँ पे दिया है, सब जितने भी फार्मूलाज है, ये देखो ये फार्मूला में टोटल सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का और कोन का। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, तो 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। ये हमारा क्या है, इस ये फार्मूले के थ्रू हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो सबसे पहले आपको दी है बेस दे के रखा है, और रेडियस दे के रखा है, और क्या दे के रखा है, हाइट दी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फिगर। फिगर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि सिलेंडर है, सिलेंडर की हमें हाइट और रेडियस दी है। ये होता है हमारा सिलेंडर, इसका यहाँ से यहाँ तक का एक रेडियस होता है और ये एक रेडियस होता है, जो कि सेम होता है, नीचे का रेडियस और ऊपर का रेडियस सेम होता है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो उसको जॉइन कहती है, वो होती है इसकी हाइट। तो देखो हमें क्वेश्चन में हाइट क्या दी है,
हाइट देखो क्या दी है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस या रेडियस दिया है और हाइट कितनी दी है 40 सेंटीमीटर की। तो देखो हमारी जो हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। अब हमारा हमारे पास गिवन क्या क्या है हम वो लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास, हाइट दी है 40 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो टू टू एज इट इज़, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू मैंने बताया था या तो 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ये भी और ये भी। तो हम यहाँ पे लेंगे 3.14 पाई की वैल्यू ले ली। अब आर हमारे पास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, एक और बार आर है तो क्या लिखूँगा मैं, 5 प्लस एच क्या है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। तो 5 प्लस 40 क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा फिर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 इन ब्रैकेट 5 प्लस 40। तो देखो 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 40 कितना होता है, 45 होता है। तो देखो 5 इंटू 45 कितना होगा, 5 इंटू 45 कितना होगा, 5 इंटू 45 होगा 225। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो 2 इंटू 3.14 करो, 2 इंटू 3.14 करके देखो क्या वैल्यू आती है, 2 इंटू 3.14 होता है 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 225। अब 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 225 करके देखो, तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 6.28 कितना होता है, 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आया, 1413 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस 7। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया निकाला, अब हम निकालेंगे स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर यानी एक बॉल, बॉल आपने देखी होगी टेनिस की, वो बॉल का जो सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि एक फॉर्मूले से फाइंड आउट होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखो स्फीयर है ये, जो स्फीयर है मैंने जैसे कि बोला एक बॉल, बॉल जैसा एक स्फीयर होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, देखो 4 पाई आर क्यूब, ये है जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर क्यूब। जब हम इसके अंदर आर की वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यही हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, क्या था हमारे पास, स्फीयर था, स्फीयर यानी एक बॉल जैसा ऐसा एक स्फीयर होता है, इसका जो ये है ये इस तरीके से एक स्फीयर होता है, इसका रेडियस हमें दिया गया है, रेडियस क्या दिया है देखो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अभी हमने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था 4 पाई आर क्यूब। तो हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा गिवन है। अगर आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 7 है हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो 4 पाई की वैल्यू, देखो पाई या तो 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है, तो आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो 4 इंटू देखो 22/7 हम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कैसे आया, आर यहाँ पे आर की वैल्यू हमने 7 पुट की, तो देखो 4 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्यूब है, यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया था कि क्यूब है, यानी मतलब मैं इसको ए इंटू ए इंटू ए इस तरीके से 3 बार लिख सकता हूँ।
तो 7 का क्यूब है तो मैं कैसे लिखूंगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय ये 7। तो देखो ये एक 7 से एक 7 कट गया, बचा क्या यहाँ पे, 7 इंटू 7 क्या होता है 49, तो 4 इंटू 22 इंटू 49। तो देखो 4 इंटू 49 करो कितना होता है, 4 9 36, तो यहाँ पे 6, 4 4 ये ऊपर कैरी में 3 जाएगा, 4 4 कितना होता है, 4 4 16 होता है, 16 + 3 19, ये हो जाएगा 196 मल्टीप्लाइड बाय 22। अब 196 मल्टीप्लाइड बाय 22 कितना होता है, देखो जल्दी से फट से करके, 196 मल्टीप्लाइड बाय 22 होता है 4312। तो हमारा सरफेस एरिया क्या आया, 4312 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। तो देखो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है, 4312 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ईजी था, सिर्फ हमें फार्मूला के अंदर जो है वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट करके हमारा ये जो 7 7 कैंसिल हुआ, और फिर ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, 4312 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमारे पास तीन डायमेंशंस दिए हैं क्यूबॉइड के, और क्वेश्चन में आगे देखो क्या बताया है कि इट इज़ मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, वो क्यूबॉइड को मेल्ट करके उसका एक कोन बनाया गया है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, और क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, 44 21 और 12 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो है 44 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, ये जो है ये हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ये है 44 सेंटीमीटर, और ऐसी जो ब्रेथ है वो है 21 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, ये जो क्यूबॉइड है इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया, ये क्यूबॉइड को मेल्ट किया और मेल्ट करके इससे कोन बनाया जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, ये जो है यह इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, ये जो रेडियस है ये हमें फाइंड आउट करना है इस कोन का। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है हमारे पास, डायमेंशंस दिए है, डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ होता है, तो लेंथ क्या है हमारे पास 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ होता है, ब्रेथ क्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, और हाइट होती है, हाइट क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये होते हैं डायमेंशंस, क्या होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट के डायमेंशंस होती है किसकी, क्यूबॉइड की, क्यूब की, ये दोनों फिगर्स की डायमेंशंस होती है, जो जिसको बोलते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो और कोन के बारे में हमें क्या क्या दिया है, कोन का, कोन की हाइट दी है h2, इसको हम h1 कंसीडर करेंगे, इसको h2 कंसीडर करेंगे, क्या है हमारे पास हाइट 24 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस तो दी नहीं है, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, लेट r सेंटीमीटर बी रेडियस ऑफ कोन, तो r सेंटीमीटर ये क्या है, रेडियस ऑफ कोन है। अब देखो हमने क्या किया था क्वेश्चन के अंदर, हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये जो क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड से हमने मेल्ट करके कोन बनाया, एज वी नो कोन इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइड, जो कोन है, ये जो कोन है ये इस क्यूबॉइड से ही बना है बाय मेल्टिंग, ये जो कोन है ये जो बना है ये क्यूबॉइड को मेल्ट करके ये कोन बनाया गया है, देयरफॉर अगर ये क्यूबॉइड से ही ये कोन बना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा कोन के वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, हमने इसके पहले के क्वेश्चन में ही देखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है लेंथ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे, हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, क्या दिया है 44, ये मैं लिख लूँगा यहाँ पे 44 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ क्या है 21 और हाइट क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है 22/7 हमने लिख लिया। अब देखो आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर हमें पता नहीं है,
तो आर स्क्वायर हमें निकालना है, इसलिए हमने जैसे यहाँ पे कंसीडर किया लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन क्या लिखा हमने, आर स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोन की जो हाइट है वो क्या है, देखो कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 24 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखो 44 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 22 बाय, ये देखो ये 22 वन जा 22 एज इट इज आ गया, और 7 थ्री जा क्या होता है 21, ये 21 हो गया मल्टीप्लाइड बाय ये 24, मैं इधर लिखूंगा 24 और ये आर स्क्वायर उधर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये जो 21 है ये इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट होने से वो क्या हो जाएगा 44 इंटू 21 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये जब 21 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 21, और इक्वल्स टू 22 इंटू 24 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो ये जो टर्म है ये इसके जब ये इधर शिफ्ट होगी तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या होगा देखो 44 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 12 इंटू 21 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये इधर आके डिवीजन में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 24 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट हो सकता है, ये 22 वन जा और ये कितना हो जाएगा 44 कितने जा 2 जा। अब देखो 12 वन जा और 24 2 जा। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल, क्या क्या बचा यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इंटू 21 बचा। अब ये जो 21 इंटू 21 क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो जब ये आर स्क्वायर ये स्क्वायर हटाना है तो ये जो पूरी टर्म है ये अंडर रूट में चली जाएगी, कैसे हो जाएगा 21 इंटू 21। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, अगर ए स्क्वायर है और मुझे चाहिए ए की वैल्यू, तो मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है और मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में चला जाएगा अंडर रूट 4, और ए इज इक्वल्स टू 4 किसका स्क्वायर है वो आपको देखना है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आती है। सेम उसी तरीके से देखो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 21 इंटू 21, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 21 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार 21 है इसलिए क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 21 का स्क्वायर। अब ऐसा होता है कि स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो आर की वैल्यू क्या बचती है, आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये है हमारा रेडियस, ये है हमारा रेडियस ऑफ कोन 21 सेंटीमीटर। कैसे आया समझ में आया, देखो ये जो आर का स्क्वायर हमने जब यहाँ से हटाया तो इधर वाली टर्म जो है ये अंडर रूट में चली जाती है, और 21 इंटू 21 होता है 21 का स्क्वायर। तो जैसे कि सपोज मेरे पास ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो मैं ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट कर सकता हूँ, तो सिर्फ हमें ए मिलता है, ये जो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। और सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर कैंसिल कर स्क्वायर और ये रूट कैंसिल करके आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने, सबसे पहले देखो ये जो क्यूबॉइड था हमारा, ये क्यूबॉइड को हमने मेल्ट करके एक कोन बनाया, हमारे पास डायमेंशन दिए थे क्यूबॉइड के, ये तीनों डायमेंशन के बाद हमने ये जो है कोन का रेडियस कंसिडर किया था, कि सपोज ये इसका रेडियस नहीं दिया है तो हम इसको आर कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि कोन जो है वो क्यूबॉइड से ही बना है, क्यूबॉइड और कोन ये दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, यानी ये जितना क्यूब रहेगा उतना ही वॉल्यूम का ये कोन रहेगा, सॉरी ये जो क्यूबॉइड रहेगा उतना ही वॉल्यूम का ये कोन रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एक दूसरे को इक्वल रहेगा। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा, क्या था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन लिख के हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके हमारा रेडियस क्या आया 21 सेंटीमीटर। तो इस कोन की जो हाइट थी वो 24 सेंटीमीटर थी और इसका रेडियस आया 21 सेंटीमीटर, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। ये जो है 7.8 एक कोनिकल वाटर जग है और 7.9 ये एक सिलेंड्रिकल वाटर जग है, ये जो है ये सिलेंडर शेप का जग है और ये एक कोन के शेप का जग है। तो क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। तो इस जग में अगर हम अगर ये जग भर के अगर हम इसके अंदर फिल करें तो ये कितने जग पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके अंदर से
जब हम पानी भर के इसके अंदर फिल करेंगे, जब तक ये पूरा भर नहीं जाता ऊपर तक, तब तक हम इस जग से पानी डालते रहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो सिलेंड्रिकल पॉट है ये कितना कितना कितने जग पानी होल्ड कर सकता है। तो सिंपली क्या करना है हमें, देखो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी जग्स नंबर ऑफ जग्स डैट कैन बी होल्ड। तो नंबर ऑफ जग्स डैट कैन बी होल्ड यानी इस सिलेंडर के अंदर वो कितने जग अपने अंदर कैपेसिटी वो कितने होल्ड कर सकता है जग, तो वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो नंबर ऑफ जग डैट कैन बी होल्ड इज इक्वल्स टू सिंपली सिलेंडर का वॉल्यूम इससे डिवाइड कर दो इसके वॉल्यूम से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया था हमें, ये जो है रेडियस, ये किसका रेडियस है, ये कोन का रेडियस है। कोन का रेडियस क्या दिया है हमें 3.5, और कोन की हाइट क्या दी है, कोन की हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। तो ये इसको R1 सपोज करो और इसको R2 सपोज करो, क्योंकि हमारे पास दो रेडियस है और दो हाइट है। तो सिलेंडर की रेडियस क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट क्या है ये R2 है, और ये H2 क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हो जाएगी कोन की हाइट और रेडियस, ये हो जाएगा सिलेंडर की हाइट और रेडियस। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये देखो यहाँ पे R2 कर लो और इसको R1 कर लो, इसको H2, इसको H1, क्योंकि हमारे पास दो हाइट और दो रेडियस दी गई है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट अप करेंगे, सबसे पहले ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये जो 3 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 3 R2 का स्क्वायर H2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर H1। ये 3 ऊपर कैसे जाएगा, ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर चले जाता है, ये जो 3 है ये नीचे डिवीजन में है तो ये ऊपर जाके ये ऊपर चला जाता है 3 × ये। तो इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो हमारे पास 3 × R2 का स्क्वायर, R2 क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो मैं 7 का स्क्वायर लिखूंगा, × H2 क्या है हमारे पास, H2 है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो R1 क्या दिया है मेरे पास, 3.5 दिया है, तो मैं लिखूंगा 3.5 का स्क्वायर × H1 क्या है, H1 क्या है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 × ये 7 को 7 का स्क्वायर है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 × 7 ऐसे लिख सकता हूँ, उसके बाद ये 3.5 का स्क्वायर है तो कैसे लिख सकता हूँ, 3.5 × 3.5। अब ये 3.5 बन जा, ये कितने टाइम्स होता है, 2 times, 3.5 ये 2 times कैंसिल होता है, ये भी 3.5 इससे 2 times कैंसिल होता है, तो देखो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, हमारे पास क्या आंसर आया 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 जग्स। हमें क्या करना था, काउंट नंबर ऑफ जग्स डैट कैन बी होल्ड, तो ये जो सिलेंडर है ये 12 जग्स होल्ड कर सकता है, 12 जग्स कैन बी होल्ड बाय दिस सिलेंडर। तो ये कौन से हम जब 12 जग्स इसके अंदर डालेंगे तो ये कम्प्लीटली यहाँ तक फिल्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमने क्या किया, नंबर ऑफ जग्स डैट कैन बी होल्ड इज इक्वल्स टू इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था, फिर हमने फॉर्मूलाज पुटअप किए थे, उसके अंदर वैल्यूज पुटअप की, वैल्यूज पुटअप करके हमारा आंसर क्या आया, 12 जग्स कैन बी होल्ड बाय द सिलेंडर। तो ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है, आगे के वीडियो में हम आगे के जो 6 questions रिमेनिंग है 7 to 12 तक के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और जेएसआर ट्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।